तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास से हम मैथ एक्सरसाइज 1C। ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 3 तक आपका 1B कंप्लीट हो गया था। वीडियो नंबर 4 के साथ हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C। 1C का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिवाइड 65 डिवाइड -30। तो कैसे डिवाइड करेंगे 65 डिवाइड -30। 35 + 65 तो क्या हो गया इसका आंसर -5। क्लियर है? ठीक, इसी प्रकार से सबको डिवाइड कर देंगे। इजी है, जहां डबल डबल माइनस आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर में, क्वेश्चन को वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए या ना दिखे या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे जो नंबर आप देख रहे हैं वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर क्वेश्चन क्लिक करके या लिख के एक्सरसाइज 1C का सर 5 नंबर 1 का 5 नंबर या 2 नंबर तो हम आपको बतला देंगे और आप क्वेश्चन क्लिक करके भेज सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर यहाँ है फिलअप करना है। ये 72 डिवाइड, यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है और -4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे जो 4 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 12 अगर हम लिखते हैं -12 तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 74 2। तो माइनस इसलिए दी क्योंकि माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब तो ये प्लस वाला डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह से ये माइंड लगाकर आपको ये सारे फिलअप को फिल करना है। जैसे यहाँ अभी 4 दिया हुआ, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो इसमें इस बार माइनस नहीं देना है, तो क्या देंगे, तो 9 9 4 36 होता है। तो थोड़ा सा ये माइनस प्लस का लोचा है और माइनस प्लस का कन्फ्यूजन हम आपको फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में कंप्लीट रूप से कन्फ्यूजन को दूर कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं इन सभी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, फिर भी होगी तो आपको मैंने बतला दिया, व्हाट्सएप नंबर ही है मेरा, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको कॉपी पेन पर भी सॉल्व करके भेज दूंगा दिक्कत होने पर। राइट, अगला क्वेश्चन की ओर, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। राइट T4 ट्रू एंड F4 फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है इसमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, जो ट्रू है वहां टी लिखना है, जो फॉल्स है उसमें एफ लिखना है। यहाँ देखिए, अगर 0 में -4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा बिल्कुल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर -6 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 बार में करना होगा, ये आपका फॉल्स है। क्यों, है ना, ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। फिर यहाँ देखिए, अगर 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 5 तो ये +5 आ रहा है, जबकि यहाँ -5 लाना है हमको। इसमें किसी भी एक जगह पे माइनस नहीं रहता तो ये फिर राइट होता, ये भी आपका फॉल्स है। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ देखिए ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो चलिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स हमने कर दिया आपको। अब इसके बाद आ जाइए यहाँ एक्सरसाइज 2D पर। 2D में आपका टोटल क्वेश्चन है 24 और टोटल क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में दिया हुआ है। तो हम अभी 5 क्वेश्चंस नोट किए हैं और अगले वीडियो में इससे आगे भी करेंगे। टोटल ये एक्सरसाइज 2D जो है इसमें आपका टोटल क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, अभी फिलहाल हम 5 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, इसके बाद आगे करेंगे।
इसमें क्या है, मैक्टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, जो भी फ्लोइंग दिया हुआ है। ये देखिए वन नंबर क्वेश्चन है, इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो ए बी सी डी में से कोई है, तो अगर ए बी सी में से है तो उसमें टिक करेंगे, अगर नहीं है तो डी में टिक करेंगे, नॉन ऑफ दीज। तो फिर टू नंबर, आपका बुक में जो ये ऑप्शन इसके नीचे दिया हुआ था, यहाँ स्पेस होने के कारण हम हॉरिजॉन्टली ही दे दिए हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -6 -8 देखते हैं क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 8 हो गया, यानी 14 हो गया। यहाँ आपका 14 है कहीं, हाँ बिल्कुल सी नंबर में देखिए 14 है, इस पे ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह से फिर इसको सॉल्व करके इसमें जो आंसर होगा उसको टिक कर देना है, ठीक है। टू नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं, आइए थ्री नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ रहने देते हैं, आप लोग को इजी होगी देखने, ठीक है। इसके बाद आइए थ्री नंबर पे आते हैं, बाय हाउ मच डज 2 exceed -3। इसमें बोला जा रहा है 2 अगर घटा दिया जाएगा -3, 2 में -3 अगर माइनस कर दिया जाता है तो क्या आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो देखिए 2 में माइनस करते हैं -3 को, बोल रहा 2 exceed -3, तो 2 exceed -3, 2 में -3 को माइनस कर रहे हैं, 3 में माइनस होने का, इसको ब्रैकेट में हम ले लिए, 2 आइए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 5 हो गया, तो ये देखिए डी नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से 4 नंबर है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6, ठीक है, -1 to get -6। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं, 1D। ओ ये 2D नहीं है, सॉरी 1D है, यहाँ कुछ थ्री नंबर, टू का भी बता देते हैं आंसर, लेकिन सॉल्व आप लोग कीजिएगा कैसे हुआ, ठीक है। और थ्री का तो हम सॉल्व कर ही दिए, 4 का भी बता देते हैं क्या होगा, ये होगा आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा कैसे होगा, अगर ना समझ में आए तो हम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1D का ही, एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।